सुहे गाई आई एम सचिन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के बारे में। कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत ही बुरी तरह से हरा कर जीत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले सेमीफाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 397 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शानदार शतक को हासिल किया है। वहीं 398 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, जिसमें मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। उनके अलावा कुलदीप यादव, बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी एक एक विकेट मिला और इन सभी के बदौलत भारत ने 70 रनों से जीत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले बिग बॉस 17 के बारे में। भाई साहब, इस बार के वीकेंड के वार में नॉमिनेशन आ चुके हैं, जिसमें 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें कौन कौन है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों नॉमिनेट तो हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार वोटिंग लाइन बंद है। इस बार आप लोग किसी को भी वोटिंग नहीं कर सकते हो, आप लोग किसी को भी बचा नहीं सकते हैं। अब ये वोटिंग लाइन क्यों बंद की गई है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं, जिनके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या रीजन हो सकता है वोटिंग लाइन बंद करने के पीछे। यहां पर दोस्तों वीकेंड के वार में जो नॉमिनेट हुए हैं उनमें से नंबर 1 पर है अनुराग डोबल, अंकिता लोखंडी, अभिषेक खान जादी और सनी आर्या। और यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है अनुराग डोबल, जिनको बहुत ही वोट मिलने वाले हैं और वो किसी भी कारण से बिग बॉस से एग्जिट नहीं होने वाले हैं वोटिंग के मामले में। और अंकिता लोखंडी को भी काफी हद तक अच्छे वोट मिलेंगे और बाकी जो कंटेस्टेंट है वो थोड़ा वीक है, उनमें से कोई ना कोई बिग बॉस के घर से बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वोटिंग लाइन बंद कर दी गई है, जिसमें किसी को भी कोई वोट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पता ही हो कि इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान किसकी क्लास लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान इस बार अनुराग डोबल की बहुत ही जबरदस्त क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि अनुराग डोबल ने सलमान खान पर यह आरोप लगाया कि वो ब्रो सेना का नाम बार बार बीच में लाते रहते हैं और उनको ट्रोल करते रहते हैं, उनका मजाक बनाते रहते हैं। फिलहाल गाइस हो सकता है सलमान खान इस बार अनुराग डोबल को बिग बॉस के घर से बाहर कर सकते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, सलमान खान अनुराग डोबल को बिग बॉस के घर से निकालेंगे या फिर नहीं, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना।